रेडियो सिटी 91.1 पर। सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज इंडिया की क्या है? अनूप जलोटा का बिग बॉस से बाहर निकलना और बोलना, मैं और जसलीन सिर्फ गुरु शिष्य है, मैं तो उनका कन्यादान करूंगा। मैंने लगाया उनको फोन, बिग फैन ऑफ बिग बॉस, लगाया, सुनिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड सर। अनूप सर, आप बिग बॉस से बाहर निकल आए, मेरा ना थोड़ा सा दिल टूट चुका है ऑलरेडी। आपको पता नहीं, मेरा भी दिल टूट चुका है, मुझे प्लीज वापस भेज दीजिए। सर मैं अपने आप को नहीं ले जा सकती, आपको कहां से ले जाऊंगी। बट सर व्हाट अ फैंटास्टिक जर्नी इट्स बीन। कमाल हो गया, कमाल हो गया। मुझे कहां उम्मीद थी कि इतना मजा आएगा वहां से। इट इज फैंटास्टिक हाउस, सब लोग इतने मजे करते हैं, अपने आप सब खाना बनाते हैं, अपने आप कपड़े धोते हैं, सब साथ में सोते हैं, सब लोग बर्तन धोते हैं। सर मुझे ना बड़ी क्यूरियोसिटी है, ये सच्ची में बताओ कि सच्ची में झाड़ू पोछा आप ही लोगों को करना पड़ता है? हाँ, सबको खुद। वहाँ पे आप किसी का फेस देख ही नहीं सकते, अगर जो 15 लोग हैं तो 15 हैं, 15.5 नहीं हो सकते वहाँ। दिस इज वेरी वेरी टॉर्चरस सर। द बिगेस्ट रीजन व्हाई यू आर इन द न्यूज, मतलब आई रिमेम्बर जिस दिन बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, आई डोंट नो व्हाट योर रिएक्शन वाज, आई विल टेल यू व्हाट माय फैमिलीज रिएक्शन वाज। ओके, तो जितनी भी ताईजीज बैठी हुई थी, आप आए स्टेज पर, गाना शुरू हुआ और आपने गाया ऐसी लागी लगन, भजन गाया, एंड यू नो दैट होल माहौल चेंज एंड एवरीबडी वाज लाइक हाय इस बार तो बिग बॉस घर में कितना अच्छा कुछ होगा। एंड देन ऑफ कोर्स देयर केम अ एंट्री ऑफ अ जोड़ी, यू एंड जसलीन, व्हिच इनिशियली शॉक्ड द नेशन, एंड उसके बाद आपको बहुत सपोर्ट मिला इसके ऊपर, और फिर आप कल बाहर आए और आपने कहा ये है ही नहीं, जोड़ी है ही नहीं भाई, जो नहीं है वो बताना था ना। एक्चुअली क्या हुआ था, जसलीन का बहुत मन था अंदर जाने का। अच्छा, तो जसलीन को ऑफर भी हुआ शो। हाँ। तो जसलीन ने कहा मुझे ऑफर हुआ है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि विचित्र जोड़ी आएगी, तो आप मेरे साथ चलो। हाँ। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतने कॉन्सर्ट्स करता रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा प्लीज आप चलिए। हाँ। तो मैंने मना कर दिया, फिर उसके फादर का फोन आया, तो खैर 2-3 बार बात करके मैं मान गया कि चलो चलते हैं। पर उनके फादर ने तो बोला था जिस दिन एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ कि ही हैड नो आईडिया अबाउट दिस। नहीं, उनको ये पता था कि हम दोनों जा रहे हैं एज गुरु शिष्य। हाँ। तो वो तो मुझे भी पता था। हाँ, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इसी तरह जाएंगे। हाँ। कि जब मैं स्टेज पे बोलूंगा कि गुरु शिष्य मेरा रिलेशन है, मैंने सलमान को बोला भी था। हाँ। तो मैंने जसलीन को कहा था तुम भी आके ये बोल देना और हम लोग अंदर चले जाएंगे। हाँ। और जसलीन ने आके कह दिया कि हम रिलेशनशिप में है, तो मैंने कहा अभी तुमने बोली दिया तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं 2-4 हफ्ते। पर सर जब उन्होंने बोला था तो एक वीडियो भी दिखाई दिया था, फिर आपने भी बोला था कि हम छुप छुप के मिलते हैं, जब तुम दिल्ली जाती थी तो मैं छुप के आता था, जब मैं सर बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं जो सब कुछ रटा हुआ है प्रमोशनल वीडियो बनाया हुआ था। यू आर राइट। हाँ, प्रमोशनल वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन हमने सोचा था कि मैं कहूंगा वहाँ की गुरु शिष्य है हम लोगों का, और तुम भी बोल देना और हम अंदर चले जाएंगे, ये सब प्लान था। लेकिन हुआ क्या कि उसने ये बोल दिया। हाँ। और जब उसने बोल दिया तो वहाँ उतना टाइम तो नहीं था कि उस पर हम जरा बहस करते कुछ करते। मैंने कहा चलो अंदर चलो देखते हैं। अब हम अंदर पहुंच गए। हाँ। पहुंच के हमने जितना समय था वो गुजारा, जब 3 हफ्ते बाद हमको निकाला, मैंने कहा तो मजा आ गया, मेरा काम तो हो गया, मैं चला, तुम रहो। हाँ। लेकिन सीक्रेट रूम में डाल दिया जी, मुझे तिल लेके आ गए। मैंने कहा चलो और रह लेते हैं थोड़ा। सो ऑल इन ऑल अ ग्रेट जर्नी अनूप सर। अनूप सर पर मुझे याद है कि जब सारे घर वालों ने आप दोनों को सराउंड किया था, तो आई रिमेम्बर जसलीन वाज वेरी रिलक्टेंट टू इनिशियली से दैट यू वर इन अ रिलेशनशिप। आपने ही कहा था कि वी आर इन अ रिलेशनशिप जब घर के अंदर आप गए थे और एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल ऑफ दैट। तो इसीलिए जब फिर आप कल आके बोले, और कल इनफैक्ट शो पर भी जब जसलीन को ये बताया गया कि आपने ये बोला है, बिकॉज देयर आर सम न्यू पार्टिसिपेंट्स दैट हैव गॉन इन, तो शी वाज क्वाइट शॉक्ड एंड अपसेट अबाउट इट। हाँ, तो अब उसको बाहर आके जवाब देना पड़ेगा ना कि सच क्या है। पर आप बताओ सच क्या, सच है गुरु शिष्य ओनली ओनली एंड ओनली। वो मुझे भी पता है, वो उनके पिताजी को भी पता है, वो जसलीन को भी पता है। सर आपने मेरा दिल तोड़ दिया, कहा मैंने डिसाइड कर लिया था प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार प्यार होता है, सारे लोगों ने आपको इसीलिए सपोर्ट किया, अब आप ऐसे नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा है ही नहीं, जब है ही नहीं तो मैं क्या करूँ। क्या करूँ, वो कोई जबरदस्ती करा देगा क्या? ये भी बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सर हमसे बात करने के लिए। ऑल्सो अगर आप हमारे लिए बस 2 लाइनें गुनगुना दें उस फेमस भजन की, विच हैज जस्ट बिकम, ऑफ कोर्स बिल्कुल सुनिए जी। ऐसी लागी लगन
मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन। थैंक यू वेरी 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 मच सर। थैंक यू, प्लेजर सर, हैव अ ग्रेट डे। तो सुनिए 4 years in a row हिंदुस्तान की नंबर 1 RJ गिनी को। गिनी गिनी गिनी।